मजेदार सा होम टू, पूरा वैक्यूम अंदर खींच लेगी, ऐसे से निकलता था। हैप्पी दिवाली आपको मेरी और मेरी फैमिली से। ओके डन डन, हाथ मत कलर कर लियो। तो गाइस ये मजेदार सा गिफ्ट, कितनी घबराहट हो रही थी मम्मी को भी, सिर्फ और सिर्फ 31st तक लगा, झूठ में बोल ले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज छोटी दिवाली, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। तो अभी बजे हैं सुबह की 11:30 और आप देख सकते हैं धनतेरस का दिया अब तक चल रहा है। तो रात को हम ना थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे दिल्ली से मिलने के लिए, उनको थोड़ा हेयर का काम भी कराना था, तो नियर अबाउट हम 1 बजे सोए थे। तो यहाँ पर शांति मैडम बना रही है चाय। किसके लिए बना रही शांति? दीदी के लिए, सबके लिए हैप्पी दिवाली। तो रात को लेट सोने के कारण गोलू पाल और चीकू सो रहा है। चीकू उठ गया, चीकू उठा भी, मैंने उसको बोला भैया उठ जा चुपचाप, दिवाली है, तेरे को पटाखे दिला के लेके आऊंगा। पटाखे चाहिए? पटाखे देखो ड्रामे वास्ता, गन लेके सो रहा था आज, है ना। तो कल आप लोगों ने हमारा बेडरूम देखा था, तो आज हम कराने वाले हैं आपको होम टूर, और वो दिखेगा आपको गोलू और पायल के व्लॉग में, क्योंकि जो ऊपर वाला घर, हम ये वाला खाली कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पूरा साफ सुफ हो गया है, तो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं उसकी आज कल में, दिवाली के बाद करेंगे आराम से, पर होम टूर आपको पहले दिखा देंगे। तो चीकू कोई ख्वाहिश? पापा इतने पटाखे चला देना कि पूरी रात वो हो जाए, कल दे आवाजें। हाँ जी आवाजें हो जाए फुल फुल। तो अभी मैं और चीकू जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। चले भाई। शिफ्ट कब करेंगे? दिवाली के बाद बेटा। ठीक है पापा। तो कल ना नीति ना इसको गन दिलवा के लाई, ये गन भी इसने खराब कर दी है, देखो नहीं हो रही ना, ठीक नहीं हो रही ना। पापा आप घर जाओ तो। मैं नहीं करूंगा, सब चीजें खराब करता है चीकू, तुम चलो घर जाके देखते हैं। तो गाइस हमारे पास फ्लोर की चाबी नहीं है, मैंने चीकू को नीचे भेजा कि चाबी लेके आ फटाफट, क्योंकि जो यहाँ काम कर रहे हैं वो चाबी लेके गए हैं, जल्दी जा। मम्मी को बोली पापा गुस्सा कर रहे हैं, चाबी दे दो। ठीक है जल्दी जा। पापा नहीं है चाबी। मिली नहीं तेरे को? नहीं है। तो फिर क्या करें, बैठे रहे यहाँ, चले नीचे? पापा बैठे रह जाए जब तक वो आएंगे, तो गेट खोल लेंगे हम, देख लेंगे अंदर से। तो अभी हमने कॉल किया जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर, उनके पास चाबी है, तो बोल रहे हैं बस हम बाहर गेट पे ही आ रहे, 10 मिनट लगे उनको आने में, तब तक यहीं बैठे नीचे चले। हाँ जी तब तक 10 मिनट आप बैठे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए रूम के अंदर, और अभी सरप्राइज है बहुत बड़ा, आप देख सकते हो चारों साइड, समझ में नहीं आएगा अभी, पर रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें हैं कुछ, रह गए एसी, रह गए हैं टीवी, रह गए, ये चीज़ें लग जाएं उसके बाद आपको देंगे मज़ेदार सा होम टूर। तो चीकू ने आते यहाँ शैतानी शुरू कर दिया, लड़के शक्ल दिखाओ अपनी, ठीक कर दी ना गन मैंने, मज़ा आया, सारी गोलियाँ मत डाल इसमें। तो चीकू ने क्या किया था, चीकू ने इसमें डाल दी थी कम से कम 5 से 7 गोलियां, और वो नहीं डालनी चाहिए थी, इसने इसमें डाल दी 3 गोलियां, तो अब आराम से चूकी गन चल रही, चला के दिखा दे तो। वेरी गुड। तो गाइस इस रूम में भी टीवी लग रहा है अभी, तो एक LED लग गई है बाहर, एक उस रूम में है, एक उस रूम में है, और एक लग गई है इस रूम में, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ भी लग चुकी है। तो भाई जो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आई है चिमनी, बहुत ही कमाल की चिमनी है, मैं आपको इसमें इसके फीचर दिखाता हूँ, देख लो ऐसे चलेगी और फुल स्पीड है इसकी, और जब काम नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगी, और यहाँ से अपना पूरा वैक्यूम अंदर खींच लेगी। अब इसको बंद करना है हमें, देख रहे हो अब ये पूरा यहाँ पे बंद हो गया, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे चिमनी है। तो गाइस चिमनी ना वाक्य में बहुत ही खतरनाक लगी, प्रेशर इतना है कि अगर अगर किचन में कुछ भी धुआं हुआ हो तो एकदम फटैक से बाहर कर देगा, बहुत ही कमाल की। देंगे होम टूर देने वाले हैं बहुत ही जल्दी, लगेंगे 1-2 दिन और। तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे, कुछ खाएंगे पियेंगे, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और अभी काम में टाइम लगेगा, यानी कि 1-2 दिन लग जाएंगे अभी और। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, हमें भी पराठे खिला दिया करो। आप तो अभी आए हो ना, बैठो इधर, खाता मैं खिलाती हूँ। तो यहाँ पर आ गए कमाल के पराठे, और कमाल के लोग हमारे सुबह सुबह ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे चीकू के पटाखे लेने। चीकू चले, पापा लिस्ट बना दो, पहले खाम कर खाना खा ले उसके बाद लिस्ट बना लेते हैं। आपको भी चाहिए मैडम कुछ दिवाली का? हाँ मेरे को भी चाहिए, मेरे लिए पायल के लिए फूल लेना, एक फुलझड़ी, एक अनार, एक चक्री। आप बेटा आपके लिए? मैं चीकू को दिला के लाऊंगा। तू नहीं लेगा? नहीं वही फोड़ूंगा। गुडू मुझे वो वाला बम लेके आना, वो ऐसे काली सी टपली सी होती है, वो साफ निकलता है। चलो लेके आता हूँ, अभी बड़ा प्यारा बम
छोटा था वो कितना, और उस एक बम की क्वालिटी थी क्या बताओ, उस बम से स्मेल आती थी ऐसे से ना, अजीब सी स्मेल आती थी ऐसे ऐसे से निकलता था। तो गाइस ये है हैप्पी दिवाली, और किसने दी है मैं आपको मिलवा देता हूँ, देख रहे हो गोल्डन इंसान ये बैठे। तो भैया इनको कौन कौन जानता है हाथ खड़े कर लो, और इनको जो नहीं जानता वो भी खड़े कर लो। ये जानते हैं सिर्फ मेरे को भाई। हाँ। देख रहे हो हमारा नाम ही नहीं है, आप तो फिर जानते ही हो ना। है भाई हमारा नाम ही नहीं है। चीकू कौन है जल्दी बता कौन है। नहीं नहीं वो ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। सूतली बम और कौन सा, तो ये गाइस जो ये लिस्ट है ये बम की लिस्ट है, और रीत को दे दी कि बम चाहिए हमें। हम ही ढूंढ नहीं कर लेके आऊंगा, घर लेके कौन से वाली चक्री बम। तो रजनीश भाई जो गिफ्ट लेके आए ना, हम अनबॉक्सिंग करेंगे गोलू और पायल के ब्लॉग में, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, रजनीश भाई को घर दिखा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो घर की ओपनिंग हो उसने रीत है और रिबन रीत का, ठीक है भाई। हाँ ठीक है बढ़िया, बहन के हाथ से अच्छा होता है ना। चलो फिर ऊपर चलो। तो पता नहीं गाइस क्या दिक्कत हो रही है, पायल के सिर में दर्द ना ठीक ही नहीं हो पा रहा, दो दिन से ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आज ये घर पे हैं और मैं चाहता हूँ कि महीना 20 दिन घर पे रहें, बाहर जाना वाना बिल्कुल बंद रखें। हाँ भाई चीकू क्या बोलते हो। पापा मैं कैसा लग रहा हूँ? सुंदर लग रहा है, आपका बताओ भैया। गुड्डू मेरे को ना डॉक्टर ने वैसे दवाई खाने के लिए मना किया था, पर PCM बोला था खा लेना। मैंने कल रात को गोलू ने मुझे ढूंढ के दिए PCM भी खाई मैंने, पहले इस हिस्से में था अभी इस हिस्से में हो गया। तो आराम कर ले तू, कहीं मत जा, ठीक है। चलो बाय बाय। ओके बाय, मिलता हूँ आके। ओके बाय चीकू। बाय मम्मा। तो अभी मुझे दिलवाने चीकू को पटाके, उसके बाद जाना सैलून, और देखते हैं लड़के को क्या पसंद आता है। अभी बहुत सारे पटाखे लूंगा। चलो तो गाइज ये हमारे चचा, और चचा को सबसे पहले सलाम वालेकुम, हैप्पी दिवाली आपको मेरी और मेरी फैमिली से। आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो, घर पे सब खैरियत है। हाँ, सब अल्लाह करे ना, सब ठीक है। जितना भी गाइज आपने काम देखा पॉलिश वॉलिश का हमारे चचा ने किया, पूरा सैलून चमका दिया, दिल खुश कर दिया जी। तो हमने दिल से काम किया, बहुत बढ़िया। सबको हैप्पी दिवाली बोलना, हम आपको भी आपको मुबारक खैरियत। तो गाइज हमारी फैमिली, हमारी टीम, हमारी मैनेजर को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली आपको और आपकी फैमिली को। हैप्पी दिवाली सर, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो भैया ये हमारे मैनेजर और बहुत ही अच्छे से हमारे सैलून को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनसे जब हम आगे रोज मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। आपकी फैमिली को भी बोल देना। तो गाइस आज दिवाली पे बम्पर ऑफर ये है कि जो हमारी रीत बहन है वो लगवाने वाली है बालों में दूसरे बाल, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन। तो बहुत ही मजेदार है होने वाले हैं भैया। तो अभी देख लो हमारी बहन को, ये मेरे बाल देखो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और अभी मैं लगवाने वाली हूँ 32 इंच के हेयर, और फिर देखना मेरा लुक एकदम चेंज हो जाएगा। रील और वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है ओके डन डन। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही मजेदार सी चाय बनवा दी रीत ने मेरे लिए, और भाई साहब पहले से पी रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आ गया अपना मजेदार सा सब्वे, खा के घर निकलते हैं, कोई जरूरी काम आन पड़ा है। तो गाइज हमारे सैलून में चल रही है रंगोली, और मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही कमाल की बना रखी है लड़कियों ने। तो ये सारी मेहनत देख रहे हो ये लड़कियाँ कर रही हो, साथ में लोंडा भी कर रहा है। बेटे आप भी कुछ कर रहे हो? तेरे को बनाना, आपको आता है? नहीं सर। नहीं आता नहीं सर। चीकू रंगोली बनानी आती है? हाँ जी आती। वहाँ पे देख बना रहे सारे, हाथ मत कलर कर लियो। तो गाइस यहाँ पर हो रही है जबरदस्त रंगोली, और यहाँ बनाया जा रहा है मोर। मोर है नहीं है? बहुत ही कमाल का मोर बन रहा है, देख रहे हो बहुत सुंदर लग रहा है। डिनर डिनर तो गाइस बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर आए मुझसे मिलने। आप अकेले आए हो? पापा का कहाँ है? तो मैं आऊँ आपसे मिलने 5 मिनट में। आप इतने कुछ खा लो, ठीक है? क्या खाऊँ, चॉकलेट खानी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, क्या करना है? स्कूल जाते हो? लगता नहीं आप स्कूल जाते हो, आप बहुत छोटे हो, बहुत ही प्यारे। मैं मिलता हूँ आपसे आगे, ठीक है? अभी बाय। तो गाइस प्रक्रिया शुरू हो गई है बाल लगने की, और बाल यहाँ पे तैयार हो गए हैं, और आप ये देख सकते हो लड़की की ग्रोथ। बाकी आप बताओ थोड़ी डिटेलिंग, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। ये बाल आप मेरे देख सकते हो बिल्कुल यहाँ तक, अगर मैं कटवाऊँ तो इतने इतने रह जाएंगे। तो अभी जो हमारे बाल लगने वाले हैं वो मैं 32 इंच के एक्सटेंशन लगवाने वाली हूँ, और ये मर्ज करने के लिए मैंने उन बालों पर कलर भी करवाया है, क्योंकि मेरे हाईलाइट्स हैं, डबल टोन बाल हैं। तो अभी जो आफ्टर लुक फिर आप भैया दिखाई दोगे है ना? बिल्कुल। तो दादा कितनी देर लगेगी हमें?
सर अभी तो स्टार्ट करने के लिए 5 मिनट बस। नहीं 5 मिनट टोटल बताओ। टोटल सर अराउंड 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे बाद जबरदस्त सा लुक मिलने वाला गाइस आपको। ठीक है, तो वाइज टैलेंट ना इतना है इंडिया में, और आधा टैलेंट मुझे लग रहा है हमारे सैलून में ही है, देख रहे हो क्या हुआ। तो मैं चाहता हूँ जो भी मुझे सुन पा रहे हैं इस लड़की को चांस दे, गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम आए और इसको एक अच्छी जॉब मिले ये वाली। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ध्यान है ना। तो वाइज निकल चुके हैं घर की तरफ, नींद आ रही है, सोच रहा हूँ आधा पौना घंटा सो जाऊँ घर जाके। तो सैलून से आगे गाइस सो गया था, 1.5 घंटे की नींद पूरी की, उसके बाद मज़ा आ गया। तो अभी पहनने वाला हूँ भैया मैं कुर्ता पजामा मज़ेदार सा, तो पहन लेते पहले फिर मिलते हैं। तो गाइस इधर मैं तैयारी कर रही हूँ छोटी दिवाली की, और मैंने पूजा कर दी है, यहाँ पे दिया जला दिए, और ये सारे के सारे दिए हैं ना हमारे घर में जलाऊंगी, और प्लस यहाँ पे जो हमारा न्यू होम है वहाँ पे भी जाऊंगी, वहाँ पे भी जाके दिया जलाऊंगी। तो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, तो निकलते हैं सैलून के लिए, क्योंकि रीत ने जो बाल वाल लगवाए थे वो हो गए कम्प्लीट, तो मिल लेते हैं हमारी बहन से भी। तो गाइज ये मज़ेदार सा गिफ्ट रीत लेके आई है। मैंने गाइज इनको 1000 बार समझा चुका हूँ कि नीचे चीकू अकेले मत भेजा कर, वो कहीं भी फ्लोर पे चढ़ जाएगा, और अभी चीकू मिल नहीं रहा, बताओ मिला क्या पायल? तंग कर रखा है चीकू ने भी ना, पागलू जल्दी गेट बंद कर गया। मैं चाबी बंद करके आई। नींद से उठते ना मैंने ये पूछा चीकू गया, कह रहे नीचे गया हुआ है। मैं आज तो लड़के वड़के कोई भी नहीं है, और नीचे क्यों भेजा? कह रहे बहुत सारे बच्चे नीचे खेल रहे थे, मैंने भेज दिया, अब वो नीचे मिल नहीं रहा। मिल तो जाएगा, सोसाइटी में ही होगा, पर फिर भी टाइम लगेगा, ढूंढेंगे उसको कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके बाद उसको समझाऊंगा आज मैं तरीके से, जब नीचे जाए तो किसी के घर नहीं जाना होता। तो मना किया था ना अकेले मत भेजा कर इसको। मैं एक बहुत जबरदस्त जो वो कर रहा था, आप सो रहे थे, मैंने कहा पता है कितनी घबराहट हो रही थी मम्मी को भी दोनों को। चल चल उन जाना जल्दी, चल सुधर जा चीकू। आप पता है मैं कितना घबरा गई थी, जगह भैया को मैंने भेजा था आपको ढूंढने के लिए, आप मिले नहीं कहीं पे भी, मैं इतना घबरा गई, मैं आई हूँ ऊपर से भाग के ढूंढने आपको, नहीं मिलते तो कितनी बार समझाया जब आपके साथ मत भेजा अगर अगली का घंटा ही गायब होगा ना तुम्हारी ना। हाँ मुझे पता है, मैं लिफ्ट में भी ऐसे फटाफट, मुझे तो पता भी नहीं है मैं कौन सी लाइट जला कर आई हूँ कौन सी लाइट नहीं जला के, मुझे कुछ भी नहीं याद, मेरे को इतना पता है बस मैं लॉक करके जिद मत किया अगर जब मैं नहीं हूँ ना, बिल्कुल जिद मत किया अगर, बड़ा हो गया अब तो छोटा नहीं है। ठीक है, तो गाइस आपके सामने पेश है हमारी बहन, आपको दिखा देते हैं। अब भैया जब तुम देखोगे ना इसने जो हेयर लगवाए हैं बिल्कुल चेंज लग नहीं रहा रीत है, मुझे लग रहा है कि रीत की बहन नहीं, रीत की छोटी बहन आ गई है प्रीत। सीरियसली ऐसा लग रहा है। घूमियो बहुत अच्छे लग रहे थे पहले, थे ना इतने बड़े वाल असली, पहले होते थे भैया, मैंने कटवा के बिल्कुल छोटे कर लिए थे। कोई बात नहीं, देखो अगर आपने भी ऐसे किया हुआ है ना, बाल कटवा के छोटे करे, और अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप हेयर गार्डन से लाओ ना, और हमारे जैसे लंबे बाल पाओ। तो मैडम आप कुछ कहना चाहोगे? देखो मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छे लग रहे हो, और बिल्कुल मिसमैच नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल कलर भी मैच हो गया है, और लेंथ भी बहुत अच्छी लग रही है। कितनी लेंथ है इसकी? 32 इंच। तो और ये हाईलाइट के साथ है ना, मतलब डबल टोन थे मेरे बाल, तो सेम हाईलाइट के साथ है, मर्ज हो गए हैं बिल्कुल, है ना। तो गाइस को बोलो कुछ, तो आपने अगर ऐसे वाले बाल चाहिए आप लोगों को इतने लंबे लंबे, तो प्लीज एक बार सैलून विजिट जरूर करना, और ऐसे बाल आपको भी मिल सकते हैं। और गाइस हमारा जो ऑफर है 15,000 में जो आपको हेयर एक्सटेंशन लगा के दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 31 तक है, जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ और ये ऑफर अवेल कर लो। तो भैया अभी रीत आ रही थी, रजनीश भाई ने पहचाना नहीं पीछे से क्योंकि बाल लंबे हो गए। रजनीश भाई अब तो पहचान गए होगे, लग तो रहा है, मैं नींदों में भी था साथ में। तो रीत देख रहे हो पहचान में नहीं आ रही लड़की, आज नजर ना लग जाए दिवाली पे। सच में है ना भैया, इसमें चोटी भी कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं ज्यादा आदमी ना बाल। ये तो है पर्सनालिटी पे ना, एक औरतों की कहते हैं ना बालों से सुंदरता होती है। कैसे लगूं पापा मैं? पहचान में नहीं आ रहा। पहचान में नहीं आते क्या कोई भी? रीत भैया को भी नहीं पहचान में आ रहे रजनी भैया। तो गाइस हमने एक जबरदस्त सा बम निकाल लिया, और यहाँ पे बजाएंगे हमारे सैलून के सामने, हमारी पूरी टीम वहाँ बैठी, उनको भी हम बुला रहे। मैं आपका रिव्यू लेना आ रहा हूँ, मुझे लगा झूठ में बोल ले, झूठ में बोल, तू डर रहा है कैमरा लेके ऐसे का बम तो नहीं है। Oh,
तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें, सेफ रहें और सभी को मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली।